सामान्य आदमी जो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है तो उसके लिए भी नियम बना दिया। कैसे कैसे नियम हमारे पूर्वजों ने भी नियम बनाए है ना। अब वो सोचे कि सारी चीजें बताएंगे तो कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा, तो उन्होंने कहा कि सवेरे सवेरे उठना चाहिए, 4 बजे उठ जाए पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा याद होता है ना। शुभ मुहूर्त में उठना चाहिए, पीपल को नहवाना चाहिए, पीपल में देवता है, नीम में देवता है, तुलसी में देवता है। उन्होंने देखा कि अगर इनके नजदीक रहे तो बीमारियों से बचे, तो उन्होंने क्या कर दिया, नियम बना दिया। ये नियम है, तुलसी घर में नहीं है मतलब ये ऐसे वैसे लोग, ऐसा कुछ नियम बना समाज में। तो इसीलिए कि उसके लिए हमको रखना खुलना होना पड़े, बस हमने देखा कि पिताजी ऐसा कर रहे थे तो लड़का भी करने लगा, फिर उसको भी लड़का करने लगा, ये परंपरा हो गई। तो ऐसे ही हमको कुछ नियम है, अगर तुम हम नियमों को ठीक से जान लें, जैसे भी सब कह रहे थे कि सब लोग रहते कि बहुत सारी चीजों के नियम, बात करने के नियम, खड़े होने के नियम, पानी पीने का नियम, खाना खाने का नियम है ना। जैसे हम एक बहुत बड़े विद्वान को सुन रहे थे तो बता रहे थे कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, आप पानी जब पिए तो पहले कुल्ला में भर लें और उसको घुमाए पहले मुंह के अंदर, फिर धीरे धीरे पानी ले जाए, और पानी खड़े होकर कभी नहीं पीना चाहिए। सुना होगा कुछ लोग, लेकिन सारी चीजें सबको नहीं मालूम है ना। दूध को बैठ के कभी नहीं पीना चाहिए, खड़े खड़े दूध पीना चाहिए, दूध को मुंह में कभी नहीं घुमाना चाहिए, ये कुछ नियम है और उसका सब साइंटिफिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है, स्वास्थ्य में उसका बुरा असर पड़ता है, इसलिए उसका नियम बना दिया गया। ऐसे ही आसिया में हम लोग भी पास हो जाए, हम लोग भी पैसे वाले हो जाए आसिया की वजह से, उसके लिए नियम है 4 बेसिक 6 बेसिक 20 ये 4 आधारभूत नियम, इन नियमों का हमको पालन करना है। फिर एक कोर स्टेप, मतलब ये अंग्रेजी में बता रहे हैं लेकिन ये सब हिंदी में है और वो काम बहुत सरल सा है, और 3 कार्डिनल रूल, इन नियमों को हम जान ले, इनका पालन करें तो आप इन नियमों का अगर 2 से 5 वर्ष तक आप पालन करें, 2 से 5 वर्ष, 1 महीना 2 महीना 6 महीने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 5 वर्ष पालन करना है। और इसमें पालन करने के लिए आपको 24 घंटे में से 2-3 घंटे ही अगर देना चाहते हैं आप तो भी पालन हो जाए, मतलब दिन भर में 24 घंटे का आपको बंटवारा करना है ना। जैसे भी सर बता रहे थे कि हमारे पास हम अस्त व्यस्त हैं, हमको अपने समय का बंटवारा नहीं मालूम है, इस वजह से हम लोगों के पास टाइम नहीं रहता, और इस वजह से हमको लगता है टाइम नहीं हमारे पास। अभी टीसी छावा जी जो इस कंपनी के पूरे संचालक हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास जब बहुत काम आने लगे तो फिर हमने सबका समय बांट लिया, इस समय पर ये करेंगे, इस समय ये करेंगे, इस समय ये करेंगे, अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, अब हमारे पास समय बचा है। जबकि वो पूरे भारत में आसियों को चलाते हैं, करीब 50 फैक्ट्रियां हैं उनके पास, हजारों